साथियों, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना फिशरीज सेक्टर के लिए शुरू की है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से आज मछली के उत्पादन में बहुत प्रगति हो रही है। देश भर में जहां भी नदियां हैं, छोटे तालाब हैं, इस योजना से ग्रामीणों को, किसानों को आय का अतिरिक्त साधन मिल रहा है। इसमें लोकल स्तर पर फीड उत्पादन के लिए भी सहायता दी जा रही है। आज 25,000 से ज्यादा सहकारी समितियां फिशरीज सेक्टर में काम कर रही हैं। इससे फिश प्रोसेसिंग, फिश ड्राइंग और फिश क्योरिंग, फिश स्टोरेज, फिश कैनिंग, फिश ट्रांसपोर्ट, ऐसे अनेक काम उनको आज ऑर्गेनाइज्ड वे में बल मिल रहा है। मछुआरों का जीवन बेहतर बनाने में और रोजगार निर्माण में मदद मिली है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड फिशरीज में भी 2 गुनी वृद्धि हुई है। और जैसे हमने सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया, उससे एक नई ताकत खड़ी हुई है, वैसे ही लंबे समय से एक मांग थी देश को फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, वो भी हमने बना दिया। उसकी भी अलग बजट की व्यवस्था की और उस क्षेत्र के परिणाम नजर आने लगे हैं। इस अभियान को सहकारिता सेक्टर और विस्तार कैसे दे सकता है, इसके लिए आप सभी साथी आगे आए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। सहकारिता सेक्टर को अपनी पारंपरिक अप्रोच से कुछ अलग करना होगा। सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। अब मछली पालन जैसे अनेक नए सेक्टर्स में भी पैक्स की भूमिका बढ़ रही है। हम देश भर में 2 लाख नई मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, सब पंचायतों में जाएंगे तो यह आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। इससे उन गांवों, उन पंचायतों में भी सहकारिता का सामर्थ्य पहुंचेगा जहां अभी ये व्यवस्था नहीं है।